पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, ब्रह्म विद्या के इस तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने क्या समझा कि प्रकृति के जो नियम हैं वो अटूट हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता और उनके अंदर कोई पेनल्टी नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है। तीसरी बात जो हमने समझी कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, उनका अपना नेचर है, उनके अपने सर्कमस्टांसिस हैं। कोई हम सेलेक्ट नहीं करते कि हम कहाँ पैदा होंगे, क्या हमारा हिसाब रहेगा, क्या हमारा टेम्परमेंट रहेगा, ये सब हमारे हाथ से बाहर की बात है। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे पास फ्री विल है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं और जो ना चाहें वो ना करें, एक सीमित दायरे के अंदर। तो ये चारों चीज़ों को हमने पिछली बारी देखा और समझने की कोशिश करी, और हमने ये भी देखने की कोशिश करी कि कैसे हम इन चारों चीज़ों को किसी एक सिद्धांत के साथ बांध सकते हैं, जोड़ सकते हैं, समझने के लिए कि ये जो संसार है हमारे आसपास का, इसको हम कैसे समझें, ये जो कन्फ्यूजन है जिसको हम केओस भी कह सकते हैं, इसको हम कैसे समझें, इसके अंदर की जो डेप्थ है, जो इसके अंदर हिडन साइड है, कैसे पकड़ें। क्या ये ब्रह्मांड बिना किसी पर्पस का है, ऐसे ही बना है, या कोई इसकी मिस्ट्री है, कोई इसका डेप्थ है, कोई इसकी रीजनिंग है। तो इसको समझने के लिए हमने पिछली बारी जो बात करी थी कि एक ही सिद्धांत है और वो सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। कर्म का जो सिद्धांत है या लॉ ऑफ कर्म, लॉ ऑफ हमने परफेक्ट जस्टिस भी कहा, ये अकेला अपना ऐसा सिद्धांत है जो परफेक्ट जस्टिस करता है। हमने पिछली बारी भी ये भी देखा था कि मैन मेड लॉज के अंदर जो जुर्माना लिया जाता है, जैसे जेल में डालें या हमसे कोई पैसे के रूप में कुछ लें। अब तो वेस्ट के अंदर कई बारी वो कहते हैं कि हम सोशल सर्विस करवाएंगे, यानी कि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम करा कि बहुत क्रिमिनल नहीं था, मगर उसने ऐसा काम करा कि उसको जेल में डालना, उससे पैसे लेने से खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम कोई ऐसा काम करवाएं कम्युनिटी के लिए कि ताकि उसको सीख भी मिले और कम्युनिटी को बेनिफिट भी मिले। जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर बच्चे को डांटना, अगर पनिशमेंट देनी होती तो 100 बारी या 10 बारी या 50 बारी लिखवाया जाता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा बनूँगा, जो भी है। तो इस तरीके से जो है जुर्माने के तरीके मैन मेड लॉज में चेंज होते रहते हैं, जगह जगह स्थान स्थान पर अपने अपने हिसाब से चेंज होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉज में तो है नहीं कोई जुर्माना, तो ये जो जुर्माना होता है, जब यूनिवर्सल लॉज के अंदर जस्टिस की हमने बात करी है कि कर्म के सिद्धांत में जस्टिस की बात करी है, परफेक्ट जस्टिस की बात करी है, तो कैसे जस्टिस होती है, ये हमने लास्ट यहाँ तक हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी। कर्म का सिद्धांत जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है समझना, मगर सिंपल है। सिंपल इसलिए है कि अगर हम ध्यान से, आराम से एक एक करके इसकी परतों को अलग अलग करेंगे तो हमें ये चीज़ बड़े आराम से समझ में आ जाएगी और दिखाई देगी, और एक बार ये पकड़ में आ जाएगी तो हम संसार में जो हमारे आसपास हो रहा है उसके अंदर जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो काफ़ी हद तक हम पकड़ पाएंगे, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि अगर परफेक्ट जस्टिस है, अगर परफेक्ट जस्टिस है और होनी ही चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज जो मैं हूं, आज मैं जहां हूं, आज मैं जैसा हूं, आज जो मेरे पास है, वो जो कुछ मैं हूँ, समझता हूँ, अपने आप को अपने साथ एसोसिएट करता हूँ, वो सब मैंने खुद ही बनाया है। यानी मैं खुद का ही, खुद के नसीब का, खुद के डेस्टिनी का मेकर हूँ, क्योंकि मुझे जो मिलेगा, जो मुझे मिला है,
वो इस डिवाइन लॉ ऑफ कर्म, लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस के आधार पे ही मिला है। आज मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, जो मेरे माता पिता हैं, जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो मेरी क्षमताएं हैं, जो मेरी वीकनेसेस हैं, जो मेरा टेम्परमेंट है, जो मैं अच्छा बुरा जो समझता हूँ, जैसे भी मैं हूँ, वो सब का जो रचयिता है वो कौन है? वो मैं हूँ। इसको भी हम और आगे जैसे समझेंगे तो और क्लियर होगी ये बात। कुल मिलाकर जो कुछ मेरे साथ घट रहा है वो भी नियम अनुसार घट रहा है, इसीलिए तो जस्टिस है। कोई ऐसी चीज़ तो हो नहीं सकती कि कोई बैठा हुआ देवी देवता, भगवान, ईश्वर जो कहता है ना ना इसको जो है आज लॉटरी इसके लगा दो और इसको फंसाओ, अभी जो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है इसमें डालो, ये उसी डब्बे में जाएगा जिसमें ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है। तीसरे को अभी हमने क्या देखा, 5 अरबपति एक सबमरीन के अंदर, टाइटैनिक शिप जो डूबी थी अटलांटिक ओशन के अंदर, वो देखने के लिए गए एज अ साइट सीन। टिकट हर एक व्यक्ति की 1 करोड़ रुपए से ऊपर, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। वो टिकट खरीद के वो लोग, 5 लोग उस पनडुब्बी में, सबमरीन में गए और 5ों की मौत हुई। कैसे हुई? वो फॉल्टी थी, वो डिफेक्टिव थी सबमरीन, वो इतना प्रेशर नहीं झेल पाई जब वो उतनी गहराई में गए पानी में और वो फट गई, 5ों की मौत हुई। जो व्यक्ति उसमें जाने वाला था, एक और अरबपति, उसने बोला मैंने टिकट करवाते हुए छोड़ दी क्योंकि मेरे अंदर से आया ये तो बहुत डिस्काउंट में दे रहे हैं, वैसे तो टिकट का कॉस्ट 2 करोड़ से ऊपर का था, तो उसके अपने अंदर से आया कि भाई ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं जाना चाहिए, और वो बच गया। वो तो अपने, अब वो जिसको मानता है उसका शुक्र मना रहा होगा कि उसकी जान बच गई। मगर क्या कोई ऐसा है जो कह रहा है नहीं इसको बचाना है, इसको मारना है, इसका ये नुकसान करवाना है, इसको फ़ायदा दिलाना है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद अपना डेस्टिनी का जो मैं हूँ उसका रचयिता हूँ, ये लॉ ऑफ कर्म जो है बताता है। किसी और को दोष देने का फ़ायदा नहीं है। अगर तो परफेक्ट जस्टिस है तो जो मेरे को मिल रहा है तो वो मेरे ही अपने कर्मों के हिसाब से मिल रहा है, जो मैंने करा उसके हिसाब से मिल रहा है और परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। तो ये इसका प्रेमिस है लॉ ऑफ कर्म का। अब हम समझते हैं कि कर्म हम कैसे करते हैं। कर्म हम 4 लेवल्स पे करते हैं। पहला तो है मैं अपने शरीर से कर्म करता हूँ, कोई सामान इधर से उधर, जिसको हम कहते हैं कर्म इंद्रियों से काम करना, कर्म इंद्रियों का इस्तेमाल करना। तो हम अपने कर्म इंद्रियों, अपने हाथ पैर जो भी हैं, हम इनसे फिजिकल एक्शन से कोई काम करते हैं। दूसरा, हम अपने वॉइस, अपनी स्पीच से काम करते हैं, कर्म करते हैं। कुछ भी नहीं करना, मैंने किसी को गाली दी, कर्म हो गया, उसके अंदर आग लग जाएगी, तन बदन उसका जो है लाल पीला हो जाएगा, वो बदला लेने की सोचेगा। मैंने कुछ नहीं करा, ना मारा पीटा ना कुछ करा, मगर मेरी ज़ुबान ने एक्शन कर दिया। तीसरा है जब मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, और चौथा है जो मेरे अंदर भावनाएं पैदा होती हैं, इमोशंस होते हैं। इमोशंस थियोसफी में और विचार 2 अलग अलग मन के पहलू बताए गए हैं। इमोशन मतलब हमारे जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, हमारी लाइकिंग्स हैं, हमारी डिसलाइकिंग्स हैं, हमारे राग है, हमारा द्वेष है पतंजलि की भाषा में। तो ये जो हमारे फीलिंग्स, डिज़ायर्स, इमोशंस, ये तो लॉजिकल नहीं होते। जैसे छोटा बच्चा है ना, वो दुकान के सामने से निकलेगा, वो कहेगा मुझे ये चाहिए, वो जाके ले भी ले अगर कोई उसे रोके ना, तो उसको ये इससे कोई लेना देना नहीं है, ये किसी और का है, ये हमारा नहीं है, वो हमें ख़रीदना पड़ेगा, फलाना फलाना। उसको उसके मन में आया, मन में इमोशन जागृत हुआ लाइकिंग का, उसने जाके उसको ले लिया। मगर विचार जो है वो लॉजिकल होता है, थिंकिंग जो है वो लॉजिकल होती है। इसलिए विचारों को अलग करा, विचार कंप्यूटराइज होते हैं, विचार बताते हैं, एनालिसिस करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं। तो ये रीजनिंग माइंड और एक इलॉजिकल इमोशनल माइंड, ये 2 पार्ट हैं। तो इन 2 पार्ट्स को हम अलग अलग करते हैं थियोसफी में। इसलिए कर्म के 4 लेवल हैं। एक तो हम फिजिकल एक्शन, एक हम बोलने पे एक्शन करते हैं, एक हम विचार पे, और एक हम इमोशन से। तो ये 4ों लेवल पे एक्शन हो रहे हैं।
विचार और इमोशन का जो एक्शन है वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें क्या किसी को भी नहीं दिखाई देता, पर हमारे अंदर घटता है। हम जब आगे कभी चल के बात करेंगे सूक्ष्म जगतों की, सूक्ष्म लोकों की, सूक्ष्म शरीरों की, तो वहाँ पर इन चीज़ों के और डिटेल में बात होगी कि कैसे ये भी वास्तविक जो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे विचार हैं ये भी एक किस्म के पदार्थों से बने हुए हैं, ऐसे ही हमारे इमोशंस भी हैं। तो सूक्ष्म शरीर और मनस शरीर जो होती है उसके अंदर भी ये बनते हैं। खैर, चार लेवल पे ये जो चार हम कर्म करते हैं, इनका एक जब हम इनको कर्म करते हैं तो हम यूनिवर्स के अंदर, संसार ब्रह्मांड के अंदर फोर्सेस को हम डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कि मैंने कोई सामान को उठाया एक जगह से और उसको दूसरी जगह पे रख दिया, तो मैंने एक वातावरण, एक फील्ड के अंदर चेंज लेके आया हूँ अपनी फ्री विल से। ये जो मैं चेंज लेके आया हूँ, मैंने एक डिस्टरबेंस क्रिएट करी है, मैंने आगे के लिए एक कॉज सेटअप करा है जिसका एक रिएक्शन आएगा। मैंने पिछली बार ही कहा कि आपकी जेब से अगर मैं पैसा जबरन ज़बरदस्ती खींच लूँ और अपनी जेब में रख के आपको धक्का मार के बोलूँ जा क्या कर लेगा, मैं तेरे से ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो मैंने फोर्स जनरेट करा, एक कारण जनरेट करा, एक कर्म करा जिसका इस कर्म के सिद्धांत के मुताबिक एक रिएक्शन आएगा। वो रिएक्शन जो मैंने हार्मनी डिस्टर्ब करी उसको करेक्ट करेगा, इक्विलिब्रियम जो मैंने डिस्टर्ब करा उसको करेक्ट करेगा। कर्म का सिद्धांत जो है, कर्म का नियम जो है, ये इम्पर्सनल इम्पार्शल होता है। जैसे कि आग का स्वभाव है, बच्चा उंगली डालेगा आग में तो भी जलेगी, कोई खूनी उंगली डालेगा तो भी जलेगी, कोई जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी वो भी डालेंगे तो भी उनकी भी जलेगी। आग को इससे कोई लेन देन नहीं है कि कौन डाल रहा है उंगली। ऐसी कर्म के जो सिद्धांत और जो उसके हम कहेंगे एग्जीक्यूटिंग कर्म जो बॉडीज़ हैं जो उसको एग्जीक्यूट करवाती हैं, हम उसकी भी बात करेंगे कि कर्म के सिद्धांत को कैसे नियम को उतारा जाता है। वो लोग को कोई लेना देना नहीं कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या आपका स्टेटस है, कुछ मतलब नहीं है। सिद्धांत पूरा है, वो एक मशीनरी है, जैसे कि कैलकुलेटर होता है। हमने दो और दो दबाया, दो टू प्लस टू फोर, इसके अंदर कौन दबा रहा है इससे कोई लेन देना नहीं है, कैलकुलेटर ने तो अपना रिजल्ट देना है। हमने जैसे ही मैंने दो और दो करा चार, आपने करा चार, मैंने आपकी जेब से पैसा निकाला तो उसका रिएक्शन आएगा जो भी कर्म अनुसार, आपने मेरी जेब से निकाला तो आपको मिलेगा। कब मिलेगा ये एक दूसरी बात है, उसके भी कुछ नियम हैं। इमीडिएटली मिलेगा, तुरंत मिलेगा, कुछ टाइम बाद मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा कि आगे आने वाले जन्मों में मिलेगा, तो ये एक अलहदा बात है, इसलिए कॉम्प्लेक्स होती है बात। चार लेवल्स हैं हमारे कर्म करने के, ये इसको हमें समझना है। इन चारों लेवल्स पे जब हम काम करते हैं तो हम अनगिनत कर्म कर रहे हैं एक दिन के अंदर, तो और एक जन्म में तो पता नहीं कितने कर रहे हैं। तो जब इनके रिएक्शन आएंगे तो कैसे एग्जॉस्ट होंगे वो, ये तो क्रम चलता ही रहेगा। तो ये बात सही है। तो हम ये कहते हैं थियोसफी में, खासकर जो कर्म का सिद्धांत को हम समझते हैं, कि जो हम कर्म करते हैं वो कर्म का जो हमारा रिएक्शन है वो एक बैंक में स्टोर हो जाता है। ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ ताकि हमें समझ में आए बात। हमारा एक अकाउंट है, हम उसको कहेंगे कार्मिक बैंक। इसको पतंजलि ने बोला है कर्माशय, जहाँ स्टोर होते हैं कर्म, कर्माशय। अगर आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो सेकंड सेक्शन जो साधना पद है उसके 12वें सूत्र के अंदर ये शब्द आता है कर्माशय, जहाँ पे स्टोर होते हैं, और उस स्टोरेज की वजह से फिर नेक्स्ट जन्म के अंदर वो आगे बताते हैं कि कैसे जन्म मिलता है। तो ये जो कर्माशय है, जो स्टोरेज है, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग है। तो मेरा एक बैंक अकाउंट है, कार्मिक बैंक अकाउंट है, जिसमें जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, हम सबके हिसाब से, अच्छा बुरा जो भी कर रहा हूँ, अच्छा बुरा तो हम लोग देखते हैं, कर्म के हिसाब से तो कोई अच्छा बुरा है नहीं। तो मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ उसमें स्टोर हो रहा है,
और ये जो स्टोरेज है, जो कर्माशय है, ये जो कंप्लीट्स जिसमें मैंने अच्छा करा बुरा करा, मैंने कर्जा लिया लोन लिया, किसी को मैंने देना है किसी को मेरे को देना है, ये सारी जो चीज़ें जो है कलेक्शन जो हो रहा है, इसको बोला गया है संचित कर्म। तो पहली बात हमें ये समझनी है कि ये जो स्टोरेज है इसको हम कहते हैं संचित कर्म, जहाँ पे सब कुछ स्टोर हो रहा है। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो मेरे चार लेवल्स हैं कर्म करने के, वो सारे कर्म यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। नंबर वन पॉइंट, इसको बोला गया है संचित कर्म। अब इस संचित कर्म के अंदर से हर एक जन्म के अंदर, क्योंकि संचित कर्म तो बहुत बड़ा है और इसमें प्लस भी है माइनस भी है, कुछ काम हमने अच्छे करें उसका जो हमें फल मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, कुछ काम हमने खराब करें तो जो हम फल मिलेगा वो बुरा मिलेगा, कुछ काम हमने किसी के साथ में बहुत अच्छे करे हैं तो उसके साथ स्पेसिफिक कर्म बना, कुछ काम हमने जनरल में भी अच्छे करे हैं, जैसे कि मैंने किसी पार्क के अंदर जो पार्क बन रहा था उसमें कंट्रीब्यूट करा, किसी मंदिर बन रहा था उसमें कंट्रीब्यूट करा, मैंने किसी अच्छी संस्था के अंदर कुछ पैसे दिए लोगों के फ़ायदे के लिए, मैंने डोनेशन चैरिटी दान करी, तो वो जनरल दान हुआ, सबको फ़ायदा मिल रहा है, ये स्पेसिफिक नहीं हुआ, ये जनरल हुआ। स्पेसिफिक तो हुआ जब मैंने किसी एक व्यक्ति को खास करके मदद करी, कोई व्यक्ति को, जैसे कि मेरे घर में कोई नौकर है, अभी बच्चा है 14-15 साल का, मैंने उसको पढ़ाया, उसको मैंने स्कूलिंग करवाई, उसको एग्ज़ाम पास करवाए, उसकी नौकरी लगवाई और उसे उसको उसका घर बनवाने में उसकी मदद करी कि वो अलग से एक अपना इंडिपेंडेंट रह सकता है। तो ये मैंने उसके साथ में स्पेसिफिक एक टाई जोड़ा, एक कर्म बंधन बनाया, ये स्टोर हो रहा है संचित के अंदर। जब ये स्टोर होता है संचित के अंदर तो वो एक स्पेसिफिक व्यक्ति के साथ भी होता है, स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ में भी स्टोर होता है। तो हमें क्या समझना है, संचित के अंदर अच्छे बुरे दोनों कर्म हैं, स्पेसिफिक लोगों के साथ में भी और एक जनरल भी है। मगर इतने सारे हैं कि इतने सारे कर्म को कैसे एग्जॉस्ट करेंगे, उनका रिएक्शन कैसे एक आदमी भोग पाएगा एक जन्म में, वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसको दोबारा आना पड़ता है। और ये पुनर्जन्म का सिस्टम, रीइंकार्नेशन और कर्म साइड बाय साइड चलते हैं। जब वो दोबारा आना होता है तो ये डिसाइड होता है उस कर्म, संचित कर्म के कलेक्शन के हिसाब से, कि अब इस जन्म के अंदर जो नया होने वाला है इसको कहाँ जन्म देना है और उसको किस पेरेंट्स के साथ में देना है, ये सब जो डिटेल्स जो सेलेक्ट करी जाती हैं इनको, और उस जन्म के लिए जो कर्म दिए जाते हैं कि इस जन्म में इतने ही एग्जॉस्ट कर पाएगा ये कर्म, उस संचित में से इतने ही वो भोग पाएगा, उस कलेक्शन को, उस छोटे से कलेक्शन को बोला गया है प्रारब्ध कर्म। इसको हम ऐसा समझें कि हम अपने घर से अब मार्केट के लिए निकल रहे हैं, पूरे दिन हम मार्केट में रहेंगे और फिर वापस घर आएंगे। तो हम घर से बाहर निकल के मार्केट में जा रहे हैं, इसको हम समझें कि हम एक नया जन्म लेने जा रहे हैं। तो जब हम नए मार्केट में जाते हैं तो हम अपने सारे जो घर के अंदर पैसे अपनी जेब में तो लेके जाते नहीं, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उतने ही पैसे और जैसी ड्रेस हमने पहननी और जिस जगह पर जाना उसके हिसाब से हम सब कुछ सर्कमस्टेंस जो हमारे उसके हिसाब से हम जाते हैं, और वहाँ जाके हम जो भी हमें इंटरेक्शन करना होता है वो करते हैं, और जो भी नफ़ा नुकसान जो भी ट्रेडिंग हमने करी वो करके जब हम घर वापस आते हैं तो हम वो लेके आते हैं जो भी हमें लेके आना था। ये एक जनरल एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हम ले लें, बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो उस दिन का होमवर्क करके जाते हैं, जो भी उनके पीरियड्स होते हैं उस हिसाब से वो क्लास अपनी बुक्स भी लेके जाते हैं, और वो दिन में जो भी उनका साथ घटता है फिर वो वापस घर में आते हैं। तो वो ये हम कुछ सिलेक्शन लेके जाते हैं बेसिकली एक जन्म के अंदर, इसको बोला गया है प्रारब्ध कर्म। ये सब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, जैसे मैंने कहा, एक एजेंसी है और उसको हमारे सनातन धर्म के अंदर बोला गया है लिपिक, थियोसफी में हम इनको कहते हैं द लॉर्ड्स ऑफ कर्मा। लॉर्ड्स ऑफ कर्मा या लिपिक कहें, ये एक बहुत बड़ी एक डिपार्टमेंट है, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो कि नॉन ह्यूमन हैं, यानी वो देवी देवताओं की श्रेणी के होते हैं। ये लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं
आप माने नहीं मानना तो ना माने कोई बात नहीं, मगर हमारे थियोसफी में ये बताया गया है और हमारे जो सनातन धर्म के अंदर भी ये बताया गया कि ये जो देव होते हैं ये लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं, ये मशीनरी चलाते हैं कर्म की। तो वो देखते हैं कि भाई इस जन्म के अंदर हमने इतना इसका बैलेंस निकालवाना है, ये पूरा तो झेल नहीं सकते, पूरा बहुत बड़ा है, थोड़ा ही निकलवाना है। इसको बोला जाता है प्रारब्ध, जो निकलवाएंगे, जो वो भोगेगा उस जन्म में, इसे बोला जाता है प्रारब्ध कर्म। पहला था संचित कर्म और ये आ गया प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो है, जहाँ हम पैदा होते हैं, जिस जगह हम पैदा होते हैं, जिन पेरेंट्स के घर में पैदा होते हैं, जिस समय जिस साल में हम पैदा होते हैं, जिस जेंडर में हम पैदा होते हैं, जिस सरकमस्टांसिस में हम पैदा होते हैं, जिस नेबरहुड में हम पैदा होते हैं, जिस फैमिली के साथ हम पैदा होते हैं, फैमिली मतलब एक्सटेंडेड फैमिली, जिस कम्युनिटी में पैदा होते हैं, जिस रिलीजन में पैदा होते हैं, ये सब ऑलमोस्ट 90% प्रारब्ध कर्म को इस्टेब्लिश कर देता है। तो अब हमारी थोड़ी सी गुत्थी सुलझती हुई समझ में आ रही है कि क्यों कोई व्यक्ति कहाँ पैदा होता है। मैंने कर्म करे, वो जो मैंने कर्म करे वो संचित में बैंक में इकट्ठे हुए, मेरे कर्म, किसी और के नहीं, मेरे। जब वो इकट्ठे हुए, उन्हीं में से मेरे को एक सिलेक्शन दिया गया, वो नए जन्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी मैं अगर सड़क पे पैदा हो रहा हूँ तो अपने कर्मों के कारण हो रहा हूँ, उसी संचित में से प्रारब्ध ये मिल रहा है मेरे को। मैं अगर अम्बानी के घर में पैदा हो रहा हूँ या किसी और अमीर घर व्यक्ति के घर में पैदा हो रहा हूँ, किसी अच्छे घराने में बहुत सुखद लग्जूरियस बैकग्राउंड में पैदा हो रहा हूँ, तो वो भी मेरे अपने कर्मों के कारण हो रहा हूँ। मैं अगर इंटेलिजेंट हूँ, स्वस्थ हूँ, वो भी अपने कर्मों से हो रहा हूँ। तो ये जो हमने बात करी पिछले एपिसोड में और उससे भी पिछले एपिसोड में, कि जो हमारे अपने एक अलग एक मनुष्य के अपने जो फीचर्स हैं फिजिकल बॉडी के, वो आदमी है कि औरत है कि जो भी है, उसकी अपनी क्षमताएं और उसकी अपनी वीकनेसेस, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सब उसके प्रारब्ध का हिस्सा बनती हैं, और वो प्रारब्ध संचित से निकाला जाता है, और संचित वो टोटल कलेक्शन है जो उसने पिछले जन्मों में करा है। तो अब हमें समझ में आ रहा है ये बात कि परफेक्ट जस्टिस के हिसाब से हमें वही मिल रहा है जो हमारा ड्यू है। हमें लगेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को ही तकलीफें क्यों आ रही हैं, मेरे साथ ही ऑब्स्ट्रक्शंस क्यों आती हैं, जब मैं कुछ काम करने जाता हूँ तो ब्लॉक्स ही ब्लॉक्स आते हैं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, देखो उसको देखो वो कितना बढ़िया चल रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बैठे बैठे ही उसके सारे काम हो जाते हैं। ऑफिस में भी हम देखते हैं ईर्ष्या जेलसी होती है लोगों से, हम बोलते हैं अब ये क्यों हो रहा है ऐसे, हम नहीं समझ पाते, हम लोग दोष देते हैं दूसरों को, या फिर किसी कोई ना मिले तो भगवान को, अपनी किस्मत को, अपने को नहीं। तो यहां पे लॉ ऑफ कर्म के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है, हम हैं रिस्पॉन्सिबल अपनी लाइफ के अंदर जो भी हो रहा है उसके लिए। ये बात को आप अच्छी तरह सोचिए। और आज जो है हम यहीं पे इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। फिर से मैं इसको रिवाइज करता हूँ कि कर्म परफेक्ट जस्टिस दिलाता है, लॉ ऑफ कर्म परफेक्ट जस्टिस दिलाता है। कर्म के चार हमारे तरीके हैं करने के, हम फिजिकली करते हैं, बोल के करते हैं, सोच के करते हैं, और हमारी फीलिंग्स डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं जो करवाती हैं हमारे को। ये चार लेवल्स हैं जो हम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं वो एक बैंक में इकट्ठे होते हैं, उनका रिएक्शन आना है ना हमारे पर, उसका कॉज एंड इफेक्ट है, जैसे न्यूटन का लॉ है ना, तो एवरी कॉज विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जो होगा, उसी टाइप का कर्म का भी सिद्धांत है, उसी टाइप का, एग्जैक्टली वैसे नहीं है, हम समझेंगे इसको आगे। और तो वो जो चारों से हमने कर्म करे और ज़िंदगी भर करे तो वो कर्म स्टोर होते हैं, संचित कर्म उसको बोला गया है, उसमें से एक हिस्सा एक जन्म के अंदर अलॉट होता है, एलोकेट होता है, जो उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए हम अलग अलग जगहों पे पैदा होते हैं।
और क्योंकि ये हमारा खुद का बना हुआ कर्म ही हमारे को मिल रहा है, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस। तो यहाँ तक अगर हमारे को समझ में आ गया हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके ऊपर सोचिए, विचारिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक नहीं है, ये जो कह रही हैं तो ठीक नहीं है, या अगर आपको लगता है इसके ऊपर कोई सवाल जवाब हैं, तो ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करिए और हम क्वेश्चंस को लेंगे। इसके ऊपर अलग अलग जो समस्याएं हैं, जो समझ में नहीं आती हैं, गुत्थियाँ हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, हम जरूर सबको लेंगे, क्योंकि एक लॉ ऑफ कर्म पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है, कोई मुश्किल नहीं रह जाएगी। तो मेरा बस निवेदन यह है कि आप इन बातों को सुन के विचार करिएगा, सिर्फ मानने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे और इसी को आगे हम चर्चा को करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर घर में सत्य का दर्शन।